आप देख सकते हो कि अब मैं इस छर्रे के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये छर्रा चलता है और किस तरीके से डैम में से पानी जब ओवरफ्लो होता है तो इस जगह से पानी निकलता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, सबसे पीछे जो दिखाई दे रहा है जो बाउंड्री अभी बंद हो गया है वो छर्रा, वैसे वो भी चल रहा था। हवा काफ़ी तेज़ है, हवा के कारण मेरी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही होगी, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। वहाँ से छर्रा चलता था, ये उसका दूसरा पार्ट है जहाँ से फिर बैठता है, और तीसरा पार्ट जो नीचे है अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर लोग आते हैं, कई कम बहुत ही लोगों को पता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम लोगों को इसकी बात में जानकारी है। मेरी वीडियो के माध्यम से लोगों को पता पड़ा तो लोग आते हैं जाते हैं। मैं कई चीज़ आपको नहीं दिखाता हूँ, नरवर की कई चीज़ें घूम घूम के आपके पास में लेकर आता हूँ, क्योंकि जो हम तो देख ही रहे, आप भी उन चीज़ों को देख सकें। देखिए मेरे पीछे जिस तरीके के खूबसूरत पहाड़ हैं, इन पहाड़ों की खूबसूरती इधर से सूरज निकलना है, इधर मतलब इसका कूलर है कि ये हरसी डैम के पीछे का हिस्सा है। हरसी डैम के पीछे का हिस्सा है जो ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाने के बाद में पानी किस तरीके से जहाँ तक होता है। तो ये देखिए जहाँ पर जिसकी इतनी चौड़ाई है, अभी चार दिन पहले पूरा दबा दब जा रहा था, 4 फुट ऊपर सड़क चलती ऊपर से पानी सूख रहा था, लेकिन अब कम हुआ है। जरा वीडियो को 2 मिनट आप ध्यान से देखिए कितना अच्छा लगता है जब पानी गिरता है, काफ़ी ठंडा पानी है, दूसरी तरह काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं। ये मध्य प्रदेश के सूरी के नरवर में है, जो मगरोनी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको छर्रा बोलते हैं, लोग उसको बियर बोलते हैं, लेकिन आप इसको पूरा देख सकते हो कि कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर तीन है, एक दो और तीसरा बोझ, जो अभी पानी इसका बंद हो चुका है, काफ़ी